झारखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन की तारीफ हो रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बाबूलाल मरांडी के योगदान की तारीफ की है। चौहान ने कहा कि मरांडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर पार्टी 50 विधानसभा सीटों पर आगे रही है। चौहान ने भरोसा जताया कि मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करेगी। उन्होंने सोरेन सरकार पर युवाओं, किसानों और महिलाओं को छलने का आरोप भी लगाया है। लोकतंत्र में सीट हारते भी है, सीट जीतते भी। आप ओवरऑल परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सीटों की संख्या में देख लीजिए, वोट प्रतिशत में देख लीजिए, हमने शानदार सफलता अर्जित की है। अब लोकतंत्र में कभी होता है कोई से सीट जीतते हैं, कोई से सीट हारते हैं। शिवराज जी, आप बोल रहे हो वो एक पक्ष है, लेकिन जो सरना धर्म कोड का मामला है, जो आदिवासी सेंटीमेंट आपका बिगड़ा हुआ है, सरना धर्म कोड पर भाजपा का स्पष्ट क्लियर संकेत क्या है? भारतीय जनता पार्टी अपने स्पष्ट मंतव्य को प्रकट करेगी जनता की। ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें बीजेपी, पिछले वर्ष 2019 की बात करें तो सबसे ज्यादा रिजल्ट 28 में आप लोग 25 जो है लूज किए हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भी कुछ खास आप लोगों को उसमें इम्प्रूव नहीं मिला, तो 4 महीने में क्या कमाल कर पाएगी पार्टी, कैसे करेगी? अरे कमाल तो अभी किया है, 4 महीने की क्या बात करते हो। अभी आप देखेंगे हम कितनी सीटें जीते हैं, चाहे लोकसभा की सीट देख लें, चाहे विधानसभा की सीट देख लें, आपके सामने परिणाम है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी कहा कि मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी ने 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये नतीजे बताते हैं कि जनता ने बीजेपी को अपनाया है। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने विधानसभा सीट पर हारे हैं, अगर वो अपनी सीट पर हारते तो इस्तीफा दे देते। शर्मा ने दावा किया कि झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। नहीं 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 भाई साहब, आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करिए। 2019 में हमें जो सीट दिया था विधानसभा में, हमारे 25 सीट हो गया था। तो अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कंपेयर करें, 25 सीट से हम 52 सीट तक पहुंचे। हमने गिरा था 2019 में, जीता 3 महीना के बाद हम गिर गया, लेकिन आज 5 साल का लोगों ने पराकाष्ठा किया परिश्रम का, और हमने 52 सीट का प्रमोशन मिला। तो आप लोगों ने क्या पूछते हैं मेरा तो दिमाग में नहीं आ रहा है। पूरा देश का बीजेपी का कार्यकर्ता झारखंड का लोगों का ऊपर नतमस्तक है कि झारखंड ने हमारा सरकार बनाया, 9 सीट दिए। आप कहाँ क्या बोल रहे हैं? क्या आपने एक व्यक्ति का बारे में बोल रहे हैं कि हमारा नेता जो जीते हुए नेता है वो जीता नहीं है? झारखंड का नहीं, नहीं, झारखंड का मुख्यमंत्री जी अपना सीट में नहीं हारे हैं। आप आदिवासी का बात बोल रहे हैं, झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं और अपना सीट में वो हारे हैं। इससे और मैं तो आज ही रिजिग्नेशन दे देते थे। संपाई सोरेन अगर मैं होते थे ना, मैं आज ही त्याग पत्र दे देते थे कि मैं अपना चुनाव क्षेत्र में नहीं जीता। आपको और इससे क्या चाहिए? आप लोगों को मैं विनम्रता से निवेदन करता हूँ, भाई बाबूलाल मरांडी और पूरा टीम को धन्यवाद दीजिए। 52 सीट में जिता के लाया है, मोदी जी को 9 सीट दिया है, आगे जाके झारखंड में हमारा सरकार बनेगा पक्का। बीजेपी आलाकमान ने इसका संकेत दे दिया है और अब आगामी विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी ही बीजेपी का चेहरा होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।